अभी हाल में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को कई देशों के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं उनसे नवाजा जा चुका है। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी भारत में रह रहे और भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की उपलब्धि हासिल हो रही है तो आप सभी लोगों को इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। पहले आप लोग भूटान की मैप में स्थिति देख लीजिए, भारत की भी स्थिति देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा हमारा ये प्यारी पृथ्वी, और इसमें आप देखेंगे तो एशिया में ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये है आपका भूटान। ये आपको दिखाई दे रहा है भूटान, इसे यहाँ और अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये है भूटान, ठीक है। और इसकी सीमा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत से लगती है और इसकी सीमा आपकी चाइना से भी लगती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। और इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं कि यहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। और भूटान आपको दक्षिण एशिया में देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर हम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव की बात करें तो ये तिब्बत से उसका सांस्कृतिक धार्मिक जुड़ाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो इसका जुड़ाव भारत से देखने को आप लोगों को मिलेगा। और देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है, कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। तो याद रखिए सिक्किम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल भी दिखाई दे रहा है, असम भी दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे चार राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इस पुरस्कार पर। तो इस पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं तो भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। और इसे आप लोग नक दग फेल जी खोलो के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन आता है तो अब उसका आंसर आप लोग बेहतर दे पाएंगे। और आपको बता दूं कि इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, और भी आपके अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। और पुरस्कार की घोषणा की बात करें तो भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई है, और यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भूटान साम्राज्य और वहां के आम लोगों की सेवा करने हेतु सम्मानित किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ड्रक ग्यालपो की स्थापना 7 नवंबर 2008 को उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी जिन्होंने देश और भूटान के लोगों को की जीवन भर सेवा की हुई है। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि हम अपने पड़ोसियों की जितनी मदद करते हैं शायद मुझे नहीं लगता है कोई देश करता होगा। हम लोग मानवता दिखाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। भूटान को देख लीजिए, जब भी मदद पड़ती है हम लोग मदद करते हैं उसकी। नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, ये अलग बात है कि आप देखिए कि वो कभी चाइना की भाषा बोलने लगते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं, हमारा एहसान भूल जाते हैं। और यह सम्मान दो श्रेणियों में दिया जाता है, यह ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भूटान के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको बता चुका हूं, पहले भी बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री को कई अन्य देशों के पुरस्कार मिल चुके हैं, कुछ और अन्य पुरस्कार हैं इन्हें भी आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर 2016 में मिला था, और आपको बता दूं ये सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है जो गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये 2016 में अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री साहब को, और इस सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आप देखिए गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर, ये भी 2016 में दिया गया था, और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आप देखेंगे फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में मिला था, और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का ये सर्वोच्च सम्मान है। फिर
फिर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में दिया गया था, और याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019 में दिया गया था, और आपको मालूम होना चाहिए कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये 2019 में दिया गया था, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। फिर आप देखेंगे पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश प्रथम श्रेणी 2019 में बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का है? बहरीन का है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 में दिया गया था, उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशक्त बल पुरस्कार है। फिर आप देखेंगे सियोल पीस प्राइज, ये 2018 में दिया गया था, और सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन का द्विवार्षिक पुरस्कार दक्षिण कोरिया उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव विकास में सुधार, राष्ट्र और विश्व में शांति तथा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु कार्य करने के लिए दिया जाता है। एक आप देखेंगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये 2018 में दिया गया था, और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 में, यह किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है। इससे भी आपके प्रधानमंत्री साहब नवाजे जा चुके हैं। एक है आपका ग्लोबल, क्या है यह? आपका ग्लोबल गोलकीपर, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, और इसमें आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किए गए थे। फिर आप देखेंगे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021, और वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ पुरस्कार हैं, इन्हें याद रखिएगा। और ये बात को मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के देखे होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि पुरस्कारों से क्वेश्चंस आपकी हमेशा पूछे जाते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को मिल रहे हैं, ऐसे नेताजी को मिल रहे हैं, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खैर याद रखिए आप लोग, चलती ठीक है।